नमस्कार दोस्तों, आपको हमारा ऑनलाइन स्किल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भारत एटीएम से सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना पैसा भारत एटीएम से कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं और क्या रीज़न है आप भारत एटीएम से सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर हमारे चैनल में नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत एटीएम सेटलमेंट क्यों नहीं लाइव किया हुआ है। जैसा कि मैं भारत एटीएम से बात किया तो भारत एटीएम बोला कि अभी सेटलमेंट का टाइम चेंज हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे होगे, अगर आप सेटलमेंट कर भी रहे होगे तो आपको 11:30 बजे से 12 बजे और शाम में 4:30 बजे से 5 बजे सेटलमेंट देखने को लाइव मिलता होगा। और आप दिन में 2 या 3 बार सेटलमेंट करते होगे और आप 3-3 घंटे बाद, अगर आप एक सेटलमेंट किया तो आपको नेक्स्ट सेटलमेंट 3 घंटे बाद होगा। ये सब रीज़न आपको ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, तो मैं पहले आपको बताऊं दूं, जब से आईसीआई बैंक अपना बीसी पॉइंट बंद कर दिया है तो भारत एटीएम को काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलना पड़ रहा है। जिस रीज़न से भारत एटीएम एक नियो बैंक का बीसी पॉइंट लिया है, जिससे भारत एटीएम को ट्रांजेक्शन करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा, जिससे भारत एटीएम के जितने भी रिटेलर हैं, मर्चेंट हैं, जितने भारत एटीएम का ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सारे नियो बैंक के अकाउंट में भारत एटीएम का जाता है, जिससे भारत एटीएम का ट्रांजेक्शन अधिक हो गया। जैसा कि मैंने भारत एटीएम से बात किया, मैं आपको जीमेल दिखा देता हूँ। ये देखिए, भारत एटीएम से जैसे मैंने बात किया तो उन्होंने बार बार बोला था 11:30 बजे और 4:30 बजे सेटलमेंट कीजिए, हो जाएगा। तो मैंने मैसेज किया, उस दिन मैं 1 वीक से ट्राई कर रहा था ये चीज़, 11:30 बजे से एंड 4:30 बजे मैं डेली सेटलमेंट करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बार बार ये द प्रोडक्ट इज अंडर मेंटेनेंस कहता, प्लीज़ सॉल्व द प्रॉब्लम अदरवाइज आई विल टेक एक्शन इन योर कंपनी। जैसा कि मुझे तो गुस्सा लग गया, बार बार मैं सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा था और ये सेटलमेंट नहीं हो रहा था। तो उधर से एक रिप्लाई आया, ड्यू टू मैनी चार्ज बैक कंप्लेंट ऑफ द रिटेलर्स आवर करेंट अकाउंट हैज़ बीन फ्रीज बाय द बैंक अथॉरिटीज, इट विल टेक सम टाइम टू इशू ए नोटिस अगेंस्ट द सेम एंड हैंस सेटलमेंट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एज ऑफ नाउ, इट कैन ऑनली बी प्रोसेस आफ्टर मंडे। उन्होंने बोला कि हमारा रिटेलर ज़्यादा होने के कारण ट्रांजेक्शन अधिक हो गया, जिससे हमारा करेंट अकाउंट फ्रीज हो गया, जो मैं बैंक से निवेदन कर रहा हूं कि हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दे, जिससे हमें ट्रांजेक्शन होने में करने में सही हो जाए, जिसमें इन्हें प्रोसेस करने की प्रक्रिया में आप मंडे तक लग सकता है, इसलिए आपका सेटलमेंट अभी लाइव नहीं है। जिस रीज़न से आपको पता चल गया होगा कि भारत एटीएम अभी सेटलमेंट क्यों रोका हुआ है, साफ साफ स्पष्ट से आपको बता देता हूँ, भारत एटीएम का अभी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, जिस रीज़न से आपको अभी सेटलमेंट लाइव नहीं है। तो इसमें आपको कम से कम मंडे तक का समय लग सकता है, जिसमें आपको सेटलमेंट अभी लाइव नहीं होगा। तो आप धैर्य बनाए रखिए, आपका सेटलमेंट मंडे से या ट्यूसडे से शुरू कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।